हेलो गाइस, आज हम ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में मीना ने साजो को बताया था कि वो अपने भाई से डिटैच होना चाहती है। वो बताती है, एक दिन वो स्कूल से घर आई थी तो उसे यूरी के शूज घर पे दिखे। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई के रूम का गेट नॉक करे बिना उसके रूम में चली गई और उसने देखा वो दोनों किस कर रहे थे। साजो हैरान हो जाता है और सोचता है तो ये बात है, इसीलिए मीना उससे डिटैच होने के लिए यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क कर रही है। वो सोचता है मीना अपने भाई के साथ रहना चाहती है पर उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती, तो उसके पास उससे डिटैच होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और साजो कहता है मैं समझ गया, चलो अपना बेस्ट करते हैं। और तब से मीना के काम करने के तरीके में बहुत सुधार आया है, वो मोटिवेशन से भरी हुई लगती है। और साजो सोचता है हमारा कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो गया है, बस कुछ बचा है तो कस्टमर को हैंडल करना। मीना ये सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। साजो कहता है मैंने इतना लाउड बोल दिया क्या? वो कहता है अगर कोई अजीब कस्टमर आ गया तो मैं संभाल लूंगा, तुम पहले मुझे देखकर सीखना। और तभी वहाँ सासाकी आती है। साजो दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो सोच रहा था सासाकी बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आई है, मैं उससे आराम से बात कर सकता हूँ, पर अभी मुझे मीना के बारे में ज्यादा चिंता है। और उसे आइडिया आता है, वो सासाकी से कहता है तुम मीना के साथ आराम से घुल मिल सकती हो, वो भी बुक रीडर है। सासाकी मीना का हाथ पकड़ के कहती है मेरे साथ पढ़ने वाला कोई साथी नहीं है, मुझे इससे बहुत खुशी होगी, मुझे उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। मीना कहती है मैं बुक रीड करती हूँ पर अभी मैं काम पे हूँ। साजो सोचता है सासाकी हैप्पी लग रही है, अब एनवायरनमेंट ऑकवर्ड नहीं रहेगा। और वो मीना को बोलता है जब तक कस्टमर नहीं है तुम बुक रीड कर लो, जब काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। और सासाकी मीना से पूछती है तुम्हें किस टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद है। मीना कहती है मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, मैं बुक के टाइटल और कवर से अट्रैक्ट होती हूँ। सासाकी कहती है सो कूल। वो पूछती है तुम्हारा फेवरेट ऑथर और जेनर कौन सा है। और साजो बुक्स को ऑर्गेनाइज करने चला जाता है। और इधर सासाकी मीना से पूछ रही थी तुम्हें एक बुक को रीड करने में कितना टाइम लगता है। मीना कहती है ये तो बुक पे डिपेंड करता है। सासाकी कहती है क्या तुम मुझे कोई बुक रिकमेंड करोगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई ऐसा मुझे रिकमेंड करे जिसे बुक्स बहुत पसंद है। वहाँ साजो आता है और दोनों को बात करता देखकर मन में कहता है मीना पैसिवली बात कर रही है, पर सही है कम से कम वो बात कर तो पा रही है। फिर वो सोचता है पर कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, इस तरह तो मीना की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और साजो कहता है अब हम रोल प्ले करने वाले हैं, ये कस्टमर से डील करने का सिमुलेशन होगा। और साजो कस्टमर का रोल प्ले करते हुए कहता है क्या इस स्टोर पे मैगजीन्स नहीं है। मीना कहती है हम मैगजीन नहीं रखते। साजो पूछता है क्यों। मीना कहती है मैं ओनर से पूछ के आती हूँ। साजो कहता है हाँ ये एक तरीका हो सकता है कस्टमर को संभालने का, पर दूसरे सिचुएशन में। और वो देखता है मीना तो जा चुकी थी। वो कहता है क्या ये बूढ़े से सच में पूछने चली गई। और अब मीना साजो से सॉरी कहती है। साजो कहता है कोई बात नहीं आज ओनर का मूड अच्छा है। और अब साजो सासाकी को कहता है अब कस्टमर बनने की बारी तुम्हारी, क्या तुम कर लोगी। सासाकी कहती है मैं कर सकती हूँ। वो कहती है ये मेरे अडल्टहुड में जाने का एक कदम है, मैं इससे असली दुनिया के बारे में और जान पाऊंगी। और वो एक्ट करती है और सही में एक बुक परचेज करके जाती हुई कहती है मैं तुम्हारी रिकमेंड करी हुई बुक जरूर पढ़ूंगी। साजो कहता है आज तो सासाकी के सिवा कोई कस्टमर नहीं आया, कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं। वो कहता है तुम दोनों फ्रेंड्स बन सकती हो, मुझे तुम्हें उससे बात करता देखकर अच्छा लगा। मीना कहती है तुम जॉब छोड़ रहे हो। साजो कहता है हाँ। वो कहता है इस स्टोर को दो लोगों की जरूरत नहीं है। और अब साजो रास्ते में सोच रहा था शायद मैं दोबारा मीना से स्ट्रेंजर बन जाऊंगा, पर उसने मुझसे उस बारे में बात क्यों करी। और अब उसे के का मैसेज आता है पार्ट टाइम वाली लड़की के साथ क्या हुआ। साजो उसे बताता है उसने बोला वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। आयका कहती है कुछ सीरियस बात होगी नहीं तो वो इंडिपेंडेंट बनने का नहीं सोचती। और वहाँ कायदे आती है और उसे कॉफी बनाने का ऑर्डर देती है। साजो कॉफी बना रहा था और उसे के का मैसेज आता है जब स्कूल स्टार्ट होगा तो हमें डिटेल में बताना। अब साजो सोचता है मैं समझ गया, उसने मुझे बताया क्योंकि उसके पास बात करने वाला कोई नहीं है, वो हमेशा स्कूल में भी अकेली होती है। और कायदे कहती है अभी तक कॉफी नहीं बनी। साजो उसके पास कॉफी लेकर जाता है और कायदे कहती है तुम्हें कस्टमर को वेट नहीं कराना चाहिए। कायदे कॉफी पीती है पर उसे वो बेकार लगती है। वो पूछती है क्या कुछ हुआ है।
साजो कहता है, नहीं कुछ नहीं, कायदे कॉफी रख देती है और चली जाती है। साजो कहता है, तुम्हें और नहीं पीनी? और वो खुद पीने लगता है और उसे भी वो सही नहीं लगता। वो देखता है उसने चीनी की जगह नमक डाल दिया था। अब स्टोर में मीना एक बार में बहुत सारा सामान कैरी कर रही थी। साजो उसके हाथ से सामान ले लेता है और कहता है, तुम्हें एक बार में इतना कैरी करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं उठाता हूँ तुम्हें उतना उठाने की जरूरत नहीं है। और फिर वो उसे एक बॉक्स देता है और उसे काम करता देखकर कहता है, ऐसा लग रहा है कोई एलिमेंट्री स्कूल की लड़की अपना बेस्ट ट्राई कर रही है। और अब मीना को एक बुक देखकर याद आता है कि जब वो घर पे बुक पढ़ रही थी तो उसे गेट ओपन होने की आवाज आई थी। वो सोचती है उसका भाई आया होगा, पर जब वो देखती है तो उसके साथ यूरी भी आई थी और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। उसका भाई कहता है, यूरी हमारे लिए ऑमलेट बनाने वाली है। यूरी मीना से पूछती है, तुम साथ में खाना चाहोगी? और फिर मीना खाने के लिए उनके रूम में जाती है। वो देखती है उसके भाई और यूरी दोनों हार्ट शेप की चम्मच का यूज कर रहे थे। वो वहाँ से भाग जाती है और अब वो इन बातों से ध्यान हटाकर साजो को बुक पे लगा कवर दिखाती है। साजो उसे एक बुक पे कवर लगा के दिखाता है और फिर मीना ट्राई करती है और साजो कहता है, तुमने परफेक्ट लगाया है। वो उसकी तारीफ भी करता है कि वो अच्छे से बुक की केयर करती है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें हमेशा अपने हेयर पे क्लिप लगा के ऐसे ही अपने चेहरे को शो करना चाहिए। और वो मन में कहता है, ये कितनी क्यूट लग रही है। और अब वो सोच रहा था, मैं जल्दी ही रिटायर हो जाऊंगा, अब मुझे न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अब दोनों शॉप से निकलते हैं और मीना का भाई वहाँ आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें ढूंढने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, तुमने मॉम को भी मुझे बताने से मना कर दिया था। वो कहता है, ये परफेक्ट टाइम है, तुम्हारी छुट्टी हो गई है ना, चलो कहीं चलकर खाना खाते हैं। मीना साजो के पीछे छुप जाती है। इचिन उसे कहता है, तुम कौन हो? साजो उसे अपना नाम बताता है और कहता है, यहाँ मैं मीना का सीनियर हूँ, पर स्कूल में हम क्लासमेट्स हैं। वो कहता है, मेरा आपकी बहन के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं है। इचिन उसे कहता है, क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगे? साजो मीना को देखकर सोचता है, मीना मेरे पीछे क्यों छुप रही थी? और वो कहता है, हमें किसी और जगह जाके बात करनी चाहिए। इचिन उसे कहता है, अभी इसका टाइम नहीं है। साजो कहता है, क्या आप उसके बारे में सब इस धूप में जानना चाहते हो? इचिन उसे मान जाता है और वो किसी और जगह पे जाते हैं। और यहाँ आकर इचिन उसे साजो से सॉरी कहता है, क्योंकि उसने पहले साजो से अच्छे से बात नहीं करी थी। अब इचिन उसे मीना से सॉरी कहता है और साजो उससे पूछता है, आपको पता है मीना पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही है? इचिन उसे कहता है, मेरी मीना से डायरेक्टली बात नहीं हुई तो मुझे नहीं पता। साजो कहता है, तो इतने दिनों से आप दोनों के बीच बात ही नहीं हुई? अब इचिन उसे मीना से कहता है, सॉरी, सारी मेरी गलती है, यूरी को डेट करने के बाद मैं तुम पे ध्यान नहीं दे पाया, जैसे हम एक साथ बुक पढ़ते थे। मीना कहती है, पर अब वो जगह यूरी की हो गई है। इचिन उसे कहता है, यूरी इन बातों पे ध्यान नहीं देगी। मीना कहती है, पर मुझे उसके लिए बुरा लगेगा। इचिन उसे कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो काइंड पर्सन है। तभी यूरी वहाँ आ जाती है और यूरी मीना से कहती है, मैंने सुना तुमने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी है, हम दोनों सोच रहे थे क्यों, पर फिर मुझे पता चला मैंने तुम्हारी जगह ले ली, सॉरी। वो कहती है, तुम्हारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जॉब करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, तुम जल्दबाजी कर रही हो। मीना कहती है, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। इचिन उसे कहता है, तुम जिद क्यों कर रही हो, अभी तक तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। यूरी कहती है, मैं इचिन उसे की फैमिली के टुकड़े नहीं करना चाहती, प्लीज वापस आ जाओ। साजो कहता है, क्या आप दोनों मीना को सुनोगे, वो क्या कहना चाहती है? वो बताता है, मीना जॉब अच्छे से कर रही है। वो कहता है, आप दोनों डेट कर रहे हो और आपने उसे ऐसे ट्रीट किया, तो वो इसे खुद को आपसे डिटैच होने की अपॉर्चुनिटी समझ के काम कर रही है, ये सब तो नेचुरल है, जो होना ही था। इचिन उसे कहता है, हाँ शायद, पर फिर भी मीना एक शाय लड़की है, वो अपने आप को ऐसा करने के लिए फोर्स कर रही होगी। और साजो कहता है, आपको क्या लगता है मीना कितने साल की हो गई है? मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि उसने ये रास्ता आप दोनों को कांग्रेट्स करने के लिए चुना, क्या आप उससे ये अपॉर्चुनिटी छीनना चाहते हो? इचिन उसे कहता है, नहीं। साजो उन्हें अपनी बातों से मना लेता है और कहता है कि आपको जब तक वेट करना चाहिए जब तक मीना खुद से आपको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। अब दोनों के जाने के बाद मीना साजो से थैंक्स बोलती है। साजो कहता है, क्यों? मीना कहती है, मैं जब भी गलत होती हूँ तो तुम मुझे करेक्ट करते हो। साजो कहता है, अभी हम पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे, और जहाँ तक सही और गलत का सवाल है,
जब तक तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो ये मैटर नहीं करता। वो कहता है, हम जब से यहाँ आए हैं मैं यही सोच रहा हूँ, मुझे दूसरे की फैमिली सिचुएशन के बारे में नहीं पता, इसीलिए जॉब पे तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैंने वो सब उन्हें कहा। वो कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें वापस ले जाने आया, ये तुम्हारे लिए सही है, पर जॉब पे भी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने अपने सारे फियर को ओवरकम कर लिया है, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैंने जो कहा मैं वो नहीं कह पाता। मीना की आंखों से आंसू आने लगते हैं और अब स्कूल में आयका क्लास की तरफ जा रही थी और सासा के पीछे आकर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। आयका कहती है, क्या तुम में कुछ बदलाव आया है? सासाकी कहता है, हाँ शायद टैन हो गया है और थोड़ी बॉडी भी बन गई है, तुम्हें तो पता है मैं बाहर भागता रहता हूँ। आयका कहती है, हाँ एथलीट क्लब बहुत बिजी रहता है। सासाकी पूछता है, क्या तुम समर ब्रेक में कहीं गई थी? और अब दोनों क्लास में जाते हैं और फिर सासाकी आयका को कोई डॉक्यूमेंट देता है और आयका को देखने लगता है। आयका कहती है, क्या हुआ? सासाकी कहता है, कुछ नहीं। और इधर स्टोर पे मीना पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? साजो कहता है, अच्छी लग रही हो। एक्चुअली मीना ने हेयर कट करवा लिया था। फिर वहाँ सासाकी आती है, वो उसे मीना की रिकमेंडेशन की हुई बुक के बारे में बताने लगती है और साजो मीना का ट्रेनिंग वाला बैच निकाल लेता है और उसे कॉन्ग्रेट्स करता है। मीना खुश हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।